हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया और उनके रिश्तेदार अशोक जैन के घर छापेमारी की कार्रवाई की है। जानकारी मिली है कि पेपर लीक मामले की जांच को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के तौर पर दोनों घरों के बाहर हथियारबद्ध जवान तैनात कर दिए गए हैं। ईडी की टीम शुक्रवार को डूंगरपुर के सागवाड़ा पहुंची। जानकारी के अनुसार 7 से 8 गाड़ियों में ईडी की 2 अलग अलग टीमें आज सुबह सागवाड़ा पहुंची। एक टीम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया के घर पहुंची, जबकि दूसरी टीम पुनर्वास कॉलोनी स्थित उनके रिश्तेदार अशोक जैन के घर पहुंची। दोनों घरों के बाहर सीआरपीएफ के हथियारबद्ध जवान तैनात कर दिए गए हैं। वहीं ईडी के अधिकारी घर के अंदर छानबीन कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी की ये रेड पेपर लीक केस से जुड़ी बताई जा रही है। सीएम के करीबी दिनेश खोडनिया की सिफारिश पर ही बाबूलाल को आरपीएससी में नियुक्ति मिली थी। ऐसे में उनकी नियुक्ति को लेकर लेनदेन के भी आरोप लगे थे। ईडी इन्हीं मामलों को लेकर छानबीन कर रही है। हालांकि ईडी के अधिकारियों की ओर से रेड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।